मेरा नाम हिम्मत सिंह है जी। मैं सहायक ग्रंथी श्री अकाल तख्त साहिब विखे ड्यूटी करता सी। हुण इन बदली बिना किसी दोष बिना किसी कारण मेरी गुरद्वारा पातशाही नवी तमतान साहब जींद विखे कर दिती है। जदों मैं सिंह साहब भाई गुरमुख सिंह का भरा वा, इन्होंने जदों सिंह साहब जी का बत्ती अते पानी बंद किया, उस तों बाद विच इन्हां मेरे आर्डर किए ने बदली ते जो भी किए ने। जबकि मैनू वार वार सद के दफ्तर में श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अधिकारी मैनेजर सुलखन सिंह भंगाली कह रहा है कि तू सिंह साहब भाई गुरमुख सिंह के बरखिलाफ़ जो अं कहने वह कहे। जो मैं ना कर दी कि मैं इस तरह का झूठ कुछ नहीं बोलूँगा, कल गुरु महाराज साहब की दरगाह में जाके लेखा देना, पर इन्होंने इस गलों ही चिड़के मेरी जो भी ये बदली की बिना किसी कारण तो। पत्नी मेरी ब्रेन में सोच है, एक अधरंग का अटैक आ चुका। मैं सारा कुछ इन्हों दस चुका कि इस तरह के मेरे घर की कंडीशन आ, पर इन्होंने कोई भी तरस नहीं किया। इंसानियत तो मासा भी नहीं इन्होंने दिखाई जी। मेन कारण तो यो ही है जी, सरसे वाले ने जो माफ़ीनामा दिता गया, प्रकाश सिंह बादल ने, सुखबीर सिंह बादल ने तख्तों के जथेदार अपनी कोठी में तलब करके उत्थे जो चिट्ठी दी गई ही दबाव बनाया गया है कि तुम तो माफ़ी इन्हों दो सरसे वाले नूं। जो भी मेन कारण तो उही आ, सिंह साहब ने सच पंथ के सामने रख दिता है, उस गलों ही चिड़के सारा कुछ साढ़े विरोध कर रहे हैं। हाँ, मेरी ड्यूटी उस टाइम नाल सी जी, मैं सब कुछ ही मेरिया अखा के सामने होया। ये सुलखन सिंह भंगाली जो ये सकत्तर ने सारे मैनू तंग और परेशान कर रहे थे बिना कारण तो बिना वजह तो। यो दबाव पाते सिंह साहब के बरखिलाफ़ बोल, जो नहीं बोलिया बिना कारण तो मेरी बदली की गई है जी। सिंह साहब के भरा जी, हाँ जी, बस इन्ना कसूर वा कि उन्होंने पंथ के सामने सच रखिया, पंजा प्यारियां के अगे पेश हुए ने, बस यो कसूर मेरा कर गिनया गया जी। हाँ जी, सामने है जी ते सारा कुछ। जे कोई सच से खड़ता वा ये उनके वैरी बनते बादल परिवार खास करके जी, इन्हों तो बस आप कठ पुतलियां चाहिए जड़िया इन्हों के उंगलों से नचन। पिंड तो कोई 20,000 की आबादी वाला जी, वो सिर्फ 3 घर गुरसिखा द, बाकी सारे ही सरसे वाले दे चेले ने। जो सिंह साहब उत्थे जाते ने उन्होंने दर्शन ड्योड़ी तो बाहर सिंह साहब आ नहीं सकते, हरियाणा पुलिस बाहर लग जाती है, सिर्फ मत्था टेकना दरबार च फिर कमरे च आना, इस तो वह कुछ नहीं कर सकते सिंह साहब। बिल्कुल याद नहीं जी, बिल्कुल ही नहीं याद उत्थे सिंह साहब। एक वेखो तुम एक कौम का जथेदार रहा हो, अज उनकी इस हालात एक बादल परिवार के कहते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने बनाए हुए ने। हाँ जी, हाँ जी, कैद वर्गे हालात ने। दूसरी गल, ये 2 वार धमकी पत्र सिंह साहब नूं सरसे वाले वालों मिल चुके ने जानो मारन दे। हाँ, पंजाब सरकार पूरी सुरक्षा कर रही है जी, जो भी पंजाब सरकार वालों पूरा सहयोग ने, DGP पंजाब वालों पूरा सहयोग मिल रहा, समय समय तो रीन्यू करते सुरक्षा पूरा ख्याल रखते हैं, जो इंटेलीजेंसी वालों रिपोर्ट आदि उस हिसाब न वो सुरक्षा करते हैं सिंह साहब की। हाँ जी, बिल्कुल जी, बिना कारण बिना किसी तो, बस एक सच बोलन का ही ये सारी सज़ा मिल रही है जी, कि सच क्यों बोलिया गया, सच बिल्कुल इन्हों हजम नहीं हो रहा जी। हाँ जी, मैं अपने तौर पर लिखती तौर पर जो जो बादल परिवार ने जिस तरह माफ़ीनामा दवाया, मैं सारा ही लिखती तौर पर रणजीत सिंह कमीशन के सामने पेश करूँगा। जेकर ज्ञानी त्रिलोचन सिंह जी जथेदार तख्त श्री केसगढ़ साहब होंदे अंबाला कोर्ट में श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के संबंध में जाके उत्थे गवाही भंडियारे वाले दे बरखिलाफ दे सकते ही। हुण ज्ञानी गुरबचन सिंह बडूंगर नूं तो उन्होंने इहो आख्या कि अपना नुमाइंदा भेज के इत्थे सानूं स्थिति स्पष्ट करो, जो तुहाडे कोल रिकॉर्ड है ये क्यों नहीं दे रहे। जे गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं गुरु मानते ने फिर तो इन्हां दा बिल्कुल हक आ जाके सच दसन, जो भी इन्हां कोल दा रिकॉर्ड है दसन देन उन्हों, पर वो सूईया किधर जा रही हैं, कौन बेद किन्ने बेदबी कराई है, किस इशारे ते सारा कुछ होया, किस नूं बचा रहा सारे पंथ नूं पता।